हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम हो चुका था। फ्रेंड, आज संडे भी था, आज सब लोग थोड़ा देर में भी सो के उठे थे, सब ने एक साथ ही चाय पिया है। और फ्रेंड्स, हस्बैंड को देखिए, आज उनका बासी रोटी खाने का मन कर रहा था क्योंकि लड़कियां खा रही थी, उनको देख के इनका ही मन करने लगा, तो इन्होंने बासी रोटी, रात की रोटी को हल्का सा घी लगा के सेकवा लिया था और फिर चाय के साथ रोटी खा रहे थे। फ्रेंड्स, आज इनका मन कर रहा था रोटी और चाय खाने का, वो भी सिर्फ लड़कियों को देख के, क्योंकि लड़कियां अपने लिए बना रही थी इसलिए इनका ही मन कर गया। फिर इन्होंने भी चाय के साथ रोटी खाया, टोस्ट नहीं खाया, और हमने चाय और टोस्ट खाया था। फ्रेंड्स, हम लोग फजर की नमाज पढ़ के तब सोए थे, फिर दोबारा उठे फ्रेंड्स, तब चाय पिया था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर करीब 11 बजे के टाइम में हम लोगों ने किया नाश्ता, और नाश्ते में तो हमने रात की रखी हुई बिरयानी खाया था और हस्बैंड ने सब्जी पराठा खाया था फ्रेंड्स। और फिर आज बनना था हमारे यहाँ खिचड़ा, जो कि हमारे यहाँ सभिया ने सुबह ही चढ़ा दिया था। हमने सोचा था कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे, मगर खिचड़ा जल्दी ही चढ़ गया था तो हमको पता ही नहीं चला किस टाइम चढ़ा दिया। तो खिचड़ा तो बन गया, रेडी हो गया, उसकी वीडियो हमने आप लोगों को दिखा दिया। ये कि गुड़ भी गया है, सिर्फ मिक्स कर रही थी सभिया, तो हमने कहा कि अच्छा लो इसी की वीडियो बना लें। फिर हमारी अम्मी ने बनाया था सिमई, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी, और खिचड़ा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। खिचड़े को ऊपर से बघार भी लगा दिया था फ्रेंड्स। आज हम लोग का पेट बहुत ज़्यादा भर गया था पहले ही, क्योंकि नाश्ता भी कर लिया था हम लोगों ने, तो लंच नहीं किया था। मगर हमने सोचा लंच अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दें क्या बनाया। तो लंच में दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनी थी, और फिर हम उमेर की मम्मा आ गई थी, और वो अपने ननन के बेटे को भी ले आई थी आज, अली को भी, वो भी साथ में आने को कह रहा था कि हम भी उमेर की नानी के यहाँ जाएंगे। और माशाल्लाह से अली खेल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग गए घूमने के लिए, मतलब कि मॉल गए। कुछ सामान हम लोगों के पास ख़त्म हो गया था, हम लोगों को सामान लेना था, तो हम लोग जा रहे थे स्मार्ट बाज़ार। हम लोग सब ऑटो पे बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, और सब लोग जा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार, और हमजा भी बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमजा का फेस, कितने चुपचाप बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, सब कुछ देखते हुए जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं स्मार्ट बाज़ार, आइए दिखाते हैं स्मार्ट बाज़ार में आज क्या नया है। 349 रुपये का, वैसे अच्छा है ना ये बढ़िया, 349 रुपये का। ये देखिए फ्रेंड्स, 18 रुपये सेव है, और मैं मैगी हमें पड़ रही है 94 का 8 पर। यही वाले तो आइसक्रीम हम कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे यहाँ नहीं मिलती है, नहीं कह रहे थे यहाँ पे बासी वाली मिलती नहीं। फ्रीजर वाले आइटम देखा जाए, ये कुछ दिन भूखी लेके आई थी ये वाली ना, 70 रुपये की एक। ये देखिए फ्रेंड्स, हर्शीज का कोको पाउडर है ये, और ये हमें पड़ रहा है 100 रुपये का, 100 रुपये का। मैं कही तुम लोग कह ली आई थी, तुम लोग की वजह से आए, ले लो अभी रात में बनाया जाए। फ्रेंड्स, आज इसके ऊपर ऑफर है, और ये 46 रुपये की हमको पड़ रही है ये बॉटल, और वैसे ये बॉटल हमको पड़ती है 70 रुपये की, और ये 1.5 लीटर की बॉटल है। इसमें से कोई भी नहीं, डीम नहीं, पेप्सी नहीं, मैंगो चंक्स। इसके तो बीच में मैंगो का वो आता रहता है, हम पैसा नहीं लाएंगे ना उसी में ना, हम वो नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अभी बाद में जब
जी मिलता तो है, बड़ा वाला नहीं मिलता है, बॉटल वाला, ये छोटा तो मिलता है बॉटल। ये काजू कतली कुड़िया वहाँ पे थे, यही काजू कतली वहाँ पे भी थे, लुलु माल में काजू कतली। चेक करें कैसा है, 90 रुपए का। और कितना है 90 रुपए? 200 ग्राम। आपको मिल रहा है 80% से 70% ऑफ, और बाय टू गेट ऑफ का शॉपिंग करते हैं, ऑफर का लाल है। थैंक यू। हमदा डांस कर रहे हो? क्या चीज? डिस्पोजल का सामान। अच्छा है अम्मी, ये चम्मच लिया है क्या आपने? डांस तो कर रहा था देख के। ये मोमोज बनाने वाला, अच्छा लग रहा है आपकी पर? अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। दीजिए, आओ आ जाओ, आ जाओ बाप। हटा लो, यहाँ हटा लो तो गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर सारी खरीदारी करके अब उतरने लगे थे नीचे, तभी हम लोगों को इस जीने पे दिख गई बास्केट, तो वहाँ से एक बास्केट भी लिया उमर की मम्मा ने, और बास्केट काफ़ी अच्छी थी, 3 बास्केट थी और इस पर ढक्कन भी थे, और 300 की थी और ऑफ़र में चल रही थी, बहुत अच्छी बास्केट थी। और फिर उसके बाद हम लोग सब बिल पेमेंट करके हम लोग घर आ गए, तो ये देखिए 1000 की खरीद पे 199 का ग्लास मिल रहा था, जिसकी प्राइस थी 600 रुपये, मगर जो 1000 की खरीद पे हम लोगों को ये 199 का ही पड़ा था। फिर ख़रीदारी तो हम लोगों ने और भी किया था, मगर फिर गिलास हम लोगों ने एक ही लिया और नहीं लिया हम लोगों ने, और बाकी ये सब सामान लेकर आए थे। फ्रेंड फिर जो खिचड़ा बना था, फिर हम लोगों ने शाम में खाया खिचड़ा, हमारे हस्बैंड को खिचड़ा ज़्यादा नहीं पसंद है, तो उन्होंने खाया था ब्रेड एंड अंडा, मगर फिर सबको खिचड़ा पुलाव खाते देखकर इनका भी मन करने लगा, तो फिर इनको भी हमने खिचड़े पे पुलाव पे खिचड़ा डाल के दिया फ्रेंड्स, और साथ में प्याज और नींबू भी डाल दिया था। फिर उन्होंने खिचड़ा पुलाव खाया, हालांकि इनको खिचड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं खिचड़ा, मगर माशाल्लाह से पूरा परिवार खा रहा था, सब लोग खा रहे थे, तो इनका भी मन करने लगा, तो इन्होंने भी खाया खिचड़ा पुलाव, और खिचड़ा बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बना हुआ था, और पुलाव भी बहुत अच्छा बना था फ्रेंड्स। और फिर ये देखिए हम लोग तैयार कर रहे थे मछली का घर, जो कि हम लोग लुलु माल से फिश लेकर आए थे, आप लोगों को दिखाया था, जो कि छोटे से बॉक्स में थी फ्रेंड्स, फिर उसके लिए हम लोग बड़ा जार लेकर आए थे, ताकि फिश को पलट दें और इसके अंदर रख दें फ्रेंड, तो उसका सब इंतज़ाम हम लोग कर रहे थे, इसमें पत्थर वगैरह डाला जा रहा था। और फिर उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, फिर उसके बाद डिनर में आज बना था अंडे आलू का सालन, और साथ ही बना था पुलाव, जो कि खिचड़े के साथ बना था, वही वाला पुलाव था, और रोटी हम लोगों ने वो सब खाया।
और फ्रेंड्स ये देखिए, फिर हमने हस्बैंड के लिए चढ़ाया था दूध, और हम वीडियो की एडिटिंग में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि दूध पूरा का पूरा जल गया, और साथ ही पैन भी ख़राब हुआ। बहुत ज़्यादा हमें अफसोस हुआ कि दूध तो गया साथ में पैन भी ख़राब हो गया। फिर हमने इसकी मलाई को खुरच के उसको थोड़ी साइड में रख दिया था ताकि, क्योंकि वो थोड़ी सही दिख रही थी। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड दूध जल गया, बहुत ज़्यादा हमको अफसोस हुआ। आज हमने हस्बैंड को दूध भी नहीं दिया फ्रेंड्स, और दूध के साथ साथ हमारा बर्तन भी बिल्कुल काला हो गया। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हम दूध रख के भूल गए, वरना हमको ज़्यादातर दूध याद रहता है। और ये देखिए दूध जल के बस ऐसा हो गया, इतनी सी मलाई निकली है। खजूर डाल के हमने दूध को बॉयल किया था, बहुत अच्छा बॉयल भी हो गया था, मगर आइन टाइम पे भूल गए। और ये देखिए दूध का क्या हाल हो गया। फ्रेंड्स क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये बर्तन कैसे साफ़ होगा, किस चीज़ से साफ़ करें, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बर्तन कैसे साफ़ होगा। हमने इसको पूरी रात भिगो दिया था, फिर भी ये साफ़ नहीं हुआ है, वैसे ही काला काला है। अब ये कि फिर कोशिश करेंगे, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।